हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित सोनी और मैं अपने चैनल का ब्लॉग बनाने के लिए प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में यहाँ पे आया हूँ। तो मैं आप लोगों को इलाहाबाद की हर एक से एक बेहतरीन सीन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए इलाहाबाद का चौक, हाय गाइस। तो फाइनली हम लोग इलाहाबाद में यमुना नदी के पास है और मैं आप लोगों को जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बोट पे बैठने और वहाँ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन हुआ है। मैं और मेरे फ्रेंड है मेरे साथ में और देखिए हम लोग। सो गाइस, मैं फाइनली बोट पे बैठ चुका हूँ और मैं आप लोगों को वहाँ लेने गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ पे मिलन हुआ है। और ये हमारे बोट वाले भैया और ये सभी लोग। गंगा एक्चुअली गंगा मैया काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली गाइस यही कुंभ स्नान है, यहीं पे जब कुंभ का मेला लगता है 14 साल में एक बार, तो लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है यहाँ पे। नहीं 14 नहीं, एक्चुअली 12 साल में, मुझे पता नहीं था। 12 साल में एक बार यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। खैर भीड़ उतना नहीं है क्योंकि अभी मेला खत्म हो चुका है। तो ये आंटी लोग मछली को दाना देते हुए, और ये गंगा मैया के बारे में कुछ बता रहे हैं। आप देख रहे हैं वो किले कंधा से सरस्वती मैया आ रहा है। सरस्वती मैया गुप्त रानी है, जैसे आप लोग उन बाल को झाड़ते ही नहीं कंघी लगाकर, तो उसको तीन भाग बनाते हैं। तीन भाग बनाने से जब आप चोटी करोगे तो दो भाग दिखता है, दो दिखता कि नहीं, ये गुप्त हो जाती है चोटी चोटी। तो ऐसा है भी मैया ने गुप्त हो गया, जो सरस्वती मैया गुप्त है उसी के नाम से इस दिन में दो स्पून नारियल, पहले माँ को मर्यादा रखो तब स्नान करो ऐसा। और इस दिन में क्या होता है, जितना माता पिता सास ससुर आजी आजा जो गुजर जाते हैं तो पिंडदान भी करते हैं। हाँ माजी, यहीं से तीनों नदी मिल के आपको काशी पटना बिहार गंगा सागर को जाती है। आपको बनारस जाती है देवरी। कलर इसका चेंज हो गया है, आप कार्तिक के महीने में आओगे तो इसका हरा जल हो जाएगा एकदम। ये बारिश हो रहा है ना चारों की थी, तो बरसात का पानी आ रहा है तो अभी सम्मिक्स हो गया। चौपर राजा तकासेर भाजी तकासेर खाजा, पहले जमाने में एक रुपया पैसा में चाहे भाजी ले लो चाहे सोना ले लो चाहे सब्जी मीठा ले लो, पहले जमाने में वो अंधेरी नगरी चौपर राजा तकासेर भाजी तकासेर खाजा, वो राजा पूर्वक का किला है वो झूठी में। तो भाई मैंने वाले भैया से अब आप ये बता रहे हैं, स्नान करके जाना तो लड्डू हनुमान जी का दर्शन करना है। अयोध्या में लड्डू खाया, चित्रकूट में जल किया, यहाँ के विश्राम ले लिया लड्डू हनुमान जी। हाँ माजी, एक जितना मैदान आप देख रहे हो जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक मेला लगता है। मेला इस मैदान है तो माजी, आपकी नजर जहाँ तक जा रही वहाँ तक मेला लग रही है ये कह रहे हैं। हाँ बहुत दूर तक मेला लगा था, आए थे 20 करोड़ जनता आया था, 20 करोड़। यहाँ मोदी ने 72 जिला के झंडा गाड़ दिया था, मोदी ने केन सिटी बना दिया था, तो सारा काम मोदी जी। अब भी बहुत बढ़िया मेला हुआ, हमारा आजा पुरखा ऐसा मेला कभी नहीं देखा मोदी जी के सरकार में। हाँ
भी मोदी जी के सपोर्टर हैं गाइस। योगी ने जोगिया कलर में, हम भी जोगिया कलर में। यहाँ से फिर से नाव चेंज करना पड़ेगा, नहीं हमारी नाव से चलना। तो गाइस मैंने ये नाव वाले भैया से बहुत कुछ सवाल किए और उन्होंने यहाँ के बारे में हमें बताया, हमें तो इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एक बार इधर देख लीजिए भैया, यहाँ लगाया है यमुना का पार्ट, और ये आप देख सकते हैं यहाँ अभी संगम में यमुना का पार्ट, और आगे चल के गंगा यमुना का जहाँ सरस्वती का मिलन हुआ है वहाँ हम लोग पे जा रहे हैं और वहाँ पे स्नान करेंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ आप देख सकते हो। ये लंगर फेंका हुआ बाबूजी, ये जो बड़ी बड़ी नाव सब लगी है ये सब लंगर फेंका लोहे का, वो जाके जमीन में गड़ जाता है तो ये शाम को फिर हटा लेगा। ये वो देखो कहाँ से फेंका, कहाँ से खींच रहा है, देखिए वो देखो खींच रहा है, यहाँ जमीन में गड़ जाएगा ना। मैया में रस्सी लगा हुआ है उसी के बारे में ये बता रहे हैं, खुद गड़ जाता है। हाँ नहीं नहीं फेंकेगा लंगर फिर बोट बह जाएगा ना बाबू जी, बोट को संभाले रखने के लिए बोट फेंका जाता है। यहाँ काफी भीड़ है गाइस, हम लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आंटीज लोग ये देखो, बोल गंगा मैया की जय। और गाइस अब हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, बस कुछ दूर। और एक्चुअली कार्तिक के महीने में ये भैया जी बता रहे कि वहाँ का पानी हरा होता है, हरा होता है, अभी बरसात का मौसम है इसीलिए पानी एक ही कलर का है, दिख रहा है एक ही कलर का दिख रहा है। देखो यहाँ से बाबू जी देखना, देखो इसका कलर, देखो इसका थोड़ा, देखो यहाँ मिल गया है। और यहीं पे गंगा जमुना सरस्वती का थोड़ा मिलन हुआ है गाइस, अपने अपने साइड, यहीं पे एकदम गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, देख लीजिए पानी इन साइड बह रहा है। जय हो गंगा मैया। तीनों नदी का मिलन यही हुआ है ना भैया, यही मेन संगम देख लीजिए गाइस यही है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, चाहे प्रयागराज बोलो चाहे त्रिवेणी संगम बोलो, अभी इलाहाबाद बंद हो गया। अब इलाहाबाद बंद हो गया गाइस, अब ये प्रयागराज और त्रिवेणी संगम है। क्या बोल close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we... So guys, I'm finally in Sangam, here you can see Ganga Maiya. से बह रहे और जमुना इधर से और सरस्वती इस साइड से, इस साइड जो आप देख रहे हो यहाँ बोट लगने के कारण पानी दिख नहीं रही, लेकिन आगे आप देख सकते हैं तीनों नदी का मिलन यहीं पे हुआ, गंगा जमुना और सरस्वती। और गाइस यहीं है संगम जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, देखिए लोग यहाँ पे कैसे नहाते हैं। एक्चुअली बोट वालों ने सुविधा कराया है यहाँ बीच में घुस के, अंदर शायद कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है, काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पानी के अंदर शायद कुछ है क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ही गहरी है, तो इन लोगों ने कुछ व्यवस्था कराया है। लोग पूजा पाठ करते हुए, यही वो मेनली पार्ट है जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन हुआ है, और यहीं पे लोग नहाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। और गाइस फाइनली सभी लोगों ने यहाँ पे स्नान कर लिया, यहाँ पे लोग एक्चुअली
रियल में अगर देखा जाए तो गंगा जमुना सरस्वती का स्नान करने ही आते हैं। काफ़ी हवा चल रही है, सुबह का वक्त है, हम लोगों को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। इन लोगों ने यहाँ पे एक व्यवस्था कराया ताकि लोग इनमें डुबकी लगा के नहा सके। यहीं पे देख लीजिए आप लोग, संगम पे नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो कि प्रयागराज में है। सो गाइस, अब मैं फाइनली आप लोगों को सारा चीज़ दिखा चुका हूँ कि गंगा जमुना सरस्वती का मिलन कहाँ और कैसे हुआ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों के बारे में दिखा सकूँ। तो गाइस चलिए, मैं थोड़ा ये नाव चला लेता हूँ, मुझे कब से ये नाव चलाने का मन कर रहा था। ये इस साइड से उठा सर, ये अपने तरफ खींचना, ऐसे पकड़ो, देखो जैसे हम पकड़े हैं, ऐसे पकड़ो, पानी तो उठा कर, पानी तो उठा कर ऐसे खींचो, अपने पहले पाँव लगाओ तभी ताकत बढ़ेगा। पहले ये हमारी देखिए डंडा, ये उठा कर अपने तरफ खींचना है। चलो क्यों क्यों क्यों। सो गाइस, अब मैं फाइनली आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुँचे, और मेरे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहीं और, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। ओके बाय।